अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए। आज हम बना रहे हैं कश्मीरी चिकन मसाला। इसके लिए हमने 1.25 किलो चिकन लिया है और इसके ऊपर 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी का लगा के इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देना। इसको ऑयल में फ्राई कर लेना, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लेना। चलिए आइए इसको फ्राई करते हैं। हमारा फ्राई हो गया है, अब हम चिकन निकाल लेते हैं। 3 से 4 मिनट एक तरफ से किया, फिर उसकी साइड चेंज कर दिए और दोनों तरफ से देखते हैं फ्राई हो गया है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर हमने 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन और 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक शामिल करना है और इसको भी भून लेना है। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेनी है। ये देखिए इसकी भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर हमने 4 मीडियम साइज के टमाटरों का पेस्ट शामिल कर देना है। ये 15 अदद काजू हैं, उनको थोड़ा सा पानी डाल के हमने पेस्ट बना लिया, ये इसके अंदर शामिल कर लें। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप फिर बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कप हम पानी का शामिल कर रहे हैं। इसमें हमने 1.25 किलो चिकन रखा है, फ्राई करके इसमें शामिल करें। हरा धनिया कटा हुआ शामिल करें, सूरी मेथी तकरीबन 1 टेबल स्पून, इसको हरे लहसुन भी शामिल कर दें। 1 मिनट के लिए इसको दम पे रखें, चूल्हा बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीरी चिकन कड़ी रेडी हो गई है। इसको आप नान या रोटी के साथ सर्व करें या चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ग्रेवी आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है। एंड पे हमने कसूरी मेथी डाली है, उससे भी बड़ी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी, आप इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।